क्रिकेट जगत के मशहूर कप्तानों में से एक विराट कोहली हैं, जो एमएस धोनी के बाद दूसरे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से न सिर्फ नेशनल लेवल तक बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक दूसरे खिलाड़ियों के पसीने छुड़ाए हैं और भारत की क्रिकेट टीम को शानदार जीत हासिल करवाई है। इसीलिए तो आज इन्हें क्रिकेट जगत का रन मिशन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज रन मिशन के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली की फैमिली हिस्ट्री क्या है? वो किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्रिकेटर विराट कोहली की फैमिली हिस्ट्री के बारे में, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही क्रिकेट जगत के इस शानदार कप्तान के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्रिकेट जगत में अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर रन मिशन का टाइटल हासिल करने वाले मशहूर खिलाड़ी विराट कोहली ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक खास पहचान बनाई है। लेकिन इस शानदार बल्लेबाज का फैमिली इतिहास शुरू होता है क्रिमिनल लॉयर का काम करने वाले प्रेम कोहली की मिडिल क्लास फैमिली से, जहां इनके पापा प्रेम कोहली क्रिमिनल लॉयर के तौर पर कार्यरत थे, तो वहीं इनकी मम्मी सरोज कोहली एक हाउसवाइफ के तौर पर फैमिली का ख्याल रखती हैं। इनके तीन बच्चे हैं, विकास कोहली, भावना कोहली और विराट कोहली। बता दें कि विकास और भावना कोहली विराट कोहली के बड़े भाई बहन हैं, जो आज शादी के बंधन में बंधकर सेटल हो चुके हैं, जहां भावना कोहली बिजनेसमैन संजय ढींगरा के साथ घर बसाकर दो बच्चों की मां बन चुकी हैं, तो वहीं विकास कोहली भी चेतना कोहली के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं और आज इस शादी से इनका एक प्यारा सा बेटा भी है। हालांकि विराट कोहली के फैमिली मेंबर्स में किसी ने भी क्रिकेट जगत में अपना करियर नहीं चुना, लेकिन इसके बावजूद भी विराट कोहली के पिता प्रेम कोहली चाहते थे कि विराट कोहली क्रिकेट की लाइन में अपना करियर बनाए और इसलिए इन्होंने महज 9 साल की उम्र में विराट कोहली का दाखिला दिल्ली के क्रिकेट इंस्टीट्यूशन में करवा दिया। लेकिन प्रेम कोहली ने ब्रेन स्ट्रोक की वजह से साल 2006 में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी विराट कोहली ने अपनी मेहनत और लगन से खूब तरक्की हासिल की। बता दें कि विराट कोहली ने साल 2002 और 2003 के बीच हुई पॉली उमरीगर ट्रॉफी में दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे, जिसके लिए इनकी खूब सराहना की गई थी और इसी के चलते इन्होंने मलेशिया के साल 2008 अंडर 19 में भारत को अपनी कप्तानी के तहत जीत हासिल करवाई थी और ये इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, जिसके बाद इन्होंने भारत के लिए कई मैच खेले और शानदार रन बनाते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को शानदार ट्रॉफी के खिताबों से नवाजा और इनके इसी शानदार जज्बे को देखते हुए साल 2016 में इन्हें ओडीआई के वाइस कैप्टन के पद पर नियुक्त किया गया था, जब एमएस धोनी इस पद से रिटायर हो चुके थे। बता दें कि आज विराट कोहली विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक हैं, जो वर्तमान में टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों ही मैचों के लिए खेलते हैं। साथ ही आज विराट कोहली कई बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर भी हैं, जिनमें हिमालया, MPL, अमेरिकन टूरिस्टर और Google.Duo जैसे कई हाईएस्ट ब्रांड्स शामिल हैं। हालांकि विराट कोहली हमेशा से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रहे हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ कम नहीं है। बता दें कि जब ये अपने करियर के पीक पर थे, तब इनका नाम कई अदाकाराओं के साथ जोड़ा गया था, जिसमें अभिनेत्री संजना, तमन्ना भाटिया और मंशल बहल के साथ साथ ब्राजीलियन मॉडल एजबेला लीट का नाम भी शामिल है, जिनके साथ विराट कोहली के लिंकअप की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब रफ्तार पकड़ी थी। लेकिन विराट कोहली की लव अफेयर की गाड़ी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के पास आकर रुकी थी। दोनों की पहली मुलाकात शैम्पू के एड के सेट पर हुई थी और इसी दौरान दोनों एक ही अपार्टमेंट में ठहरे थे, जिसके कुछ समय बाद ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था और इसी के चलते साल 2017 में दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन साथी के तौर पर स्वीकारा। आज दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। साथ ही खबरें हैं कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जल्द ही पेरेंट्स भी बनने वाले हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं।
तो दोस्तों, आपको खिलाड़ी विराट कोहली के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।